जब से मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना बढ़ा है, देश के अलग अलग हिस्से से आ रही चलान की खबरें रोज नए नए रिकॉर्ड बना रही हैं। लोग सकते में हैं, लेकिन सोशल मीडिया अब एक उपाय बता रहा है। कह रहा है कि घबराइए मत, हजारों का चलान सिर्फ 100 रुपए देकर रफा दफा हो जाएगा। नहीं नहीं, रिश्वत नहीं देनी है। सोशल मीडिया का कहना है कि ये तो कानून ही है जो आपको ट्रैफिक पुलिस ने बताया ही नहीं। क्या 100 रुपए देकर हजारों का चलान रद्द हो जाएगा? कैसे होगा ये? ₹23,000, ₹47,500, ₹59,000, ₹1,41,700, ₹2,500। ये रकम किसी की महीने की तनख्वाह नहीं है, ये चालान है। स्कूटी, ऑटो रिक्शा, ट्रक का चालान 100, 200, 500, 1000 रुपए के छोटे मोटे चालान तो गुजरे जमाने की बात हो गई है। मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माना बढ़ने के बाद यातायात के नियमों में जरा सी भी ढिलाई जेब पर बहुत भारी पड़ सकती है। लेकिन सोशल मीडिया के पास एक खुशखबरी है, वो ये कि हजारों लाखों रुपए का चालान कट गया तो कोई बात नहीं, सिर्फ 100 रुपए दीजिए और चालान रद्द। अगर आपका कहीं चालान कट जाए, आपको लगे कि मेरा यहाँ चालान कट गया और बहुत ज्यादा का हो गया, आप घबराएं मत। आपको 15 दिन का टाइम मिलता है चालान भरने का, उस टाइम आप ऑफिस में जाइए, उस चालान को संबंधित ऑफिसर को दिखाइए। जो डॉक्यूमेंट आप पेश करेंगे, जैसे लाइसेंस का 5,000 का कट गया और आपका लाइसेंस घर रह गया था, वो आप दिखाएंगे तो सिर्फ 100 रुपये। RC 5,000 है, अगर वो आप दिखाएंगे तो भी 100 रुपये। पॉल्यूशन 10,000 है, RC दिखाएंगे तो 100 रुपये। सोशल मीडिया पूछ रहा है कि इतनी अहम जानकारी पता भी थी आपको? आप तो सिर पीट रहे थे कि चपत लग गई, लेकिन अब चिंता छोड़िए। वाहन चलाते वक्त उसके कागज रखना अनिवार्य है, लेकिन अगर आपके पास ना तो असली कागज हुए और ना ही उनकी डिजिटल कॉपी, तो मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माना बढ़ने के बाद आपका चालान होगा बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर ₹5,000, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से भी ₹5,000, इंश्योरेंस के बगैर ड्राइव करने का फाइन है ₹2,000 और पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट ना होने पर ₹10,000 का जुर्माना है, यानी कुल ₹22,000। लेकिन इस पुलिसकर्मी की माने तो ₹22,000 का ये चालान आप चारों दस्तावेज दिखाकर सिर्फ ₹400 में माफ करा सकते हैं। बस चारों दस्तावेज दिखाइए, हर दस्तावेज के ₹100 फाइन भर दीजिए और बस महज ₹400 में ₹22,000 का चालान का निपटारा। शर्त बस इतनी है कि ये कागज चालान कटने की तारीख से पहले के बने हों। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ₹22,000 का चालान महज ₹400 देकर रफा दफा हो जाएगा? ₹100 में चालान माफ कराने की प्रक्रिया है क्या? वायरल मैसेज के दावे में कितना दम है, ये जानने के लिए हमने दिल्ली में जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस MS बुंदेला से बात की, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई नियम होने की बात से इनकार कर दिया। हाँ, इतना जरूर बताया कि लोग भारी भरकम चालान को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। ये प्रति दस्तावेज 100 रुपए चालान है सर, ये जानकारी सही है सर? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकता। चालान कम किया जाना ये लॉ के हिसाब से ही होगा, कोर्ट में कंटेस्ट कर सकते हैं, कोर्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करने के लिए। पुलिस की चेकिंग के दौरान आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो पुलिस वाले चालान तो जरूर कर देंगे उसका, लेकिन बाई चांस किसी के पास उस टाइम पर नहीं है, घर पे रह गए या और किसी वजह से नहीं है, तो उसमें आपको 15 दिन का टाइम है। वो कागज आप अगर दिखाएंगे उनके ऑफिस में जाके तो वो उसमें रिलैक्सेशन होता है, बिकॉज इसका मतलब पेपर तो है ना आपके पास, तो वो वाली कैटेगरी में नहीं आते कि आपका बिल्कुल पेपर नहीं है, तो वो जुर्माना जितना किया है मौके पर जुर्माना ज्यादा किया वो कम हो जाएगा। दिल्ली में तो ऐसा कोई नियम नहीं, तो फिर वायरल वीडियो में दिख रहा पुलिसकर्मी किस आधार पर दावा कर रहा है? हमने पड़ताल की तो पता चला कि वीडियो में ये हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल सुनील संधू हैं, कैथल में तैनात हैं। हम सुनील संधू तक पहुंचे, उनको उनका वीडियो दिखाया तो वो अपनी बात पर कायम थे। अगर हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं चलानिंग ब्रांच में जाकर संबंधित विभाग में, वो हम अपने अगर डॉक्यूमेंट दिखाएं तो सिर्फ 100 रुपये जुर्माना होगा, सारा माफ कर दिया जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को ये जागरूक करके ये चीज उन तक पहुंचाई जाए।
अब हमने गुरुग्राम में ACP ट्रैफिक और सोनीपत में ट्रैफिक DSP से बात की। अगर आपकी गाड़ी इम्पाउंड होगी और आपके उस टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका चलान कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए और डॉक्यूमेंट देखने के बाद वो आपका जो फाइन डॉक्यूमेंट का है वो नहीं लेंगे, सिर्फ उसकी पेनल्टी 100 रुपीज वो लगे। चलान से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अगर आपके घर पे रखे हैं और जब आप चलान भरने के लिए चलानी ब्रांच में आते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे चलानी ब्रांच इंचार्ज को दिखाएं, आपका सारा का सारा भुगतान माफ़ कर दिया जाएगा और जो आपके डॉक्यूमेंट सीन किए गए हैं देखे गए हैं उसका सिर्फ 100 रुपये चलान कटेगा। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट पूरे देश में लागू नहीं हुआ है। दिल्ली, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे कुछ बड़े राज्यों ने ही इस कानून को उसके मूल रूप में लागू किया है। हमारी पड़ताल में सामने आया कि जिन लोगों के हजारों लाखों रुपए के चालान हुए हैं, जरूरी नहीं कि उन्हें वो पूरी रकम ही चुकानी पड़े। वो कोर्ट में चालान को चैलेंज कर सकते हैं और कोर्ट चाहे तो दलील सुनकर चालान की रकम कम भी कर सकती है। वायरल वीडियो में बताया गया नियम हरियाणा में मान्य है। हरियाणा में अगर मौके पर दस्तावेज ना होने की वजह से किसी वाहन का चालान हो जाए तो बाद में वो दस्तावेज चालानिंग ब्रांच में दिखाने पर हर दस्तावेज का सिर्फ 100 रुपए ही फाइन लगता है, बाकी सब माफ हो जाता है। लेकिन दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों में ये नियम मान्य नहीं है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम है। फिर चालान अब सीधा कोर्ट में जा रहे हैं, ऐसे में कोर्ट उसे कितने रुपए में निपटाएगी ये उसी पर निर्भर करेगा। नई नोटिफिकेशन के आने पर ही मामला साफ हो पाएगा। लिहाजा न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर में पेंच पाया गया है। देश का संविधान हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई खास ना कोई आम। लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि बातें सिर्फ संविधान के पन्नों पर ही सिमटी हुई हैं, नेताओं के तो खूब ठाट हैं। दावा है कि बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी की गाड़ी का काफिला गुजर रहा था तो पुलिस ने पूरी सड़क ही बंद कर दी। बाकी गाड़ियां रोकी तो रोकी, एक बच्ची को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस को भी घंटे भर खड़ा रखना पड़ा। नतीजा बच्ची की मौत हो गई। क्या नेताजी के ठाट में चली गई बच्ची की जान या मामला कुछ और ही है? सायरन बज रहा है पर पुलिस को सुनाई नहीं दे रहा है। सामने ही इतनी बड़ी एम्बुलेंस खड़ी है पर वो भी शायद पुलिस को दिखाई नहीं दे रही है। एक एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसी हुई है या कहें कि फंसा दी गई है और सामने दिल्ली पुलिस बैरिकेड लगाकर खड़ी है। VIP कल्चर की वजह से एम्बुलेंस को भी नहीं जाने दिया जा रहा। अरे बच्चे ही है, ये देखो ब्लीडिंग हो पड़ी है, बच्चे को बुरा हाल है। अरे भैया एम्बुलेंस को जाने दो। सारे नॉर्मल जिसके निकलने के लिए आप और हम सड़क पर चलते हुए किनारे हो जाते हैं, सोशल मीडिया का दावा है कि हमारे नेताओं के लिए वो एम्बुलेंस ही रोक दी जाती है। क्यों? क्योंकि नेता हैं, VIP हैं। भाई एम्बुलेंस को तो तुम भेजोगे नहीं भेजोगे, ये नेता लोग पहले हैं, सबसे पहले अरे उसके निकले है भाई, नेता लोग सबसे पहले हैं। इसकी भी टोन हम लोग रुक जाए यार, रुक जाओ यार, एक चीज बताओ कोई मर जाएगा जब नहीं है। भीड़ ही पुलिस से भिड़ गई, बैरिकेड हटाने लग गई। गाड़ी निकाल दो यार, इसी बात पर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के लिए दिल्ली पुलिस ने एक एम्बुलेंस रोक दी। एम्बुलेंस में एक बच्ची जिंदगी और मौत से लड़ रही थी और अंत में उसने दम तोड़ दिया। क्या VIP कल्चर किसी की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण है? नए मोटर व्हीकल कानून के हिसाब से आम आदमी के एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देने पर भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा। अब नेताओं को सजा मिलेगी? मनोज तिवारी के लिए एम्बुलेंस रोककर किसी की जान से खेलने वाली दिल्ली पुलिस पर कोई कार्रवाई होगी? लोगों ने एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया, उसे बैरिकेड के पास लाई और पुलिस कर्मी एम्बुलेंस के आगे तन कर खड़ा हो गया। लेकिन इसके बाद एम्बुलेंस में दिख रही बच्ची का क्या हुआ? क्या वो वक्त पर अस्पताल पहुंच पाई और ट्रैफिक को रोका क्यों गया था? क्या वाकई दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी के काफिले की वजह से रोके गए ट्रैफिक में एक एम्बुलेंस भी फंस गई थी? ये किस दिन का और दिल्ली के किस इलाके का मामला है? हमने वायरल वीडियो के बारे में छानबीन शुरू की। हमें यही वीडियो इसी दावे के साथ फेसबुक पर मिला।
लेकिन ये पोस्ट 5 महीने पहले अप्रैल में डाली गई थी, यानी ये वीडियो अभी का तो है ही नहीं। वायरल वीडियो के दावे पर हमें शक हुआ, हमने अपनी पड़ताल जारी रखी। अब पता चला कि ये वीडियो कुछ महीने नहीं 2.5 साल पुराना है। ये वीडियो 1 अप्रैल 2017 को बनाया गया था। प्रीत नरूला नाम के इस शख्स ने इस वीडियो को 1 अप्रैल 2017 को फेसबुक लाइव के जरिए शेयर किया था। वायरल हो रहा वीडियो तो अधूरा है, लेकिन प्रीत नरूला की शेयर किए 2 मिनट के इस वीडियो को देखकर पता चलता है कि लोगों के हल्ला मचाने के बाद पुलिस ने एम्बुलेंस को जाने दिया था। प्रीत नरूला ने अपनी पोस्ट में किसी वीआईपी की वजह से एम्बुलेंस रोकने की बात कही है, लेकिन क्या वो वीआईपी मनोज तिवारी ही थे? तो मनोज तिवारी ने ट्विटर पर वायरल वीडियो के दावे का खंडन किया है। उन्होंने ट्वीट किया, राहुल गांधी क्या कांग्रेस में रहने के लिए झूठी खबरों को फैलाना जरूरी? दिल्ली या किसी दूसरी जगह पर कभी भी किसी भी सांसद के लिए ट्रैफिक नहीं रोका गया। ये एक पुराना वीडियो है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट का काफिला था। दिल्ली पुलिस कृपया INC@Gaurav के खिलाफ केस दर्ज करें। दरअसल गौरव INC नाम के एक ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को ट्वीट किया गया था, लेकिन अब ये ट्विटर अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया गया है। ये तो साफ हो गया कि इस वीडियो का मनोज तिवारी से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन वायरल वीडियो में दिख रही एम्बुलेंस में बच्ची का क्या हुआ? क्या वो अब ठीक है? इस एम्बुलेंस पर लिखा है ESI स्वास्थ्य संरक्षण सोनीपत हरियाणा। हम सोनीपत रवाना हुए। पता चला कि एम्बुलेंस में दिख रही बच्ची का परिवार यहाँ के बंदेपुर गांव का रहने वाला है। हम गांव में पहुँचे तो हमारे सामने थी 4 साल की वर्षा। स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी, नर्सरी में पढ़ती है। वायरल वीडियो में दिख रही इस एम्बुलेंस में वर्षा ही थी। मेरी बेटी बीमार हुई थी, 2 साल की थी, काफी सीरियस हो गई थी कि उसका मुंह और नाक से खून आ गया था। तो रास्ते में एम्बुलेंस को रोक दिया गया, तो उसको गाड़ी को रास्ता नहीं दिया जाता तो मेरी बेटी आज हमारे पास नहीं होती। कम से कम पौन घंटा सारा रोक ली गई। 2.5 साल की बच्ची कैंसर से पीड़ित थी, वहाँ कोई VIP विजिट थी कोई बाहर की, तो बैरिकेड लगा हुआ था। पब्लिक ने साथ दिया और उनसे पुलिस वालों से रिक्वेस्ट भी करी, 10 मिनट गाड़ी और रुकी रहती तो उस बच्ची की डेथ हो जाती, लेकिन वो बच्ची ठीक ठाक हॉस्पिटल पहुँच गई थी और बच्ची अब भी ठीक ठाक। लेकिन ये कौन VIP था जिसके लिए सड़क बंद कर दी गई थी? तो पता चला कि तब मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री नजीब रजाक भारत की यात्रा पर आए थे। 1 अप्रैल 2017 को वो राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर गए थे। ये हैं उस दिन की तस्वीरें। उनके काफिले के लिए राजघाट के पास वाली सड़क को बंद कर दिया गया था और इसी दौरान एम्बुलेंस भी वहाँ फंस गई थी। लिहाजा News18 India की पड़ताल में वायरल खबर का दावा गलत साबित हुआ है। VIP काफिले की वजह से बेशक एम्बुलेंस को रोका गया था, लेकिन इस वीडियो का मनोज तिवारी से कोई लेना देना नहीं है। और एम्बुलेंस के अंदर मौजूद बच्ची भी बिल्कुल ठीक है। और तो और ये वीडियो भी 2 साल पुराना है। सोचिए अगर जानवरों की तरह हमारे सिर पर भी सींग होते तो दो दो सींगों के साथ इंसान कैसा दिखता? आपको ये सवाल अटपटा लग रहा होगा ना कि भला इंसान के सिर पर सींग कैसे उग जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि आ सकते हैं, बल्कि आ गए हैं। खबर है कि मध्य प्रदेश में एक शख्स के सिर पर सींग उगाया है। अब ये क्या अजूबा है? ये क्या है इंसान के सिर पर सींग? ये सींग है इंसान के सिर पर? सींग तो जानवरों के होते हैं ना, इंसान के सिर पर सींग कैसे उगाया? चौंक गए ना आप, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा आपको? असंभव जब अपनी आंखों के सामने हकीकत बन जाए तो यकीन करना नामुमकिन हो भी जाता है। लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि ये अजूबा हुआ है मध्य प्रदेश में। अजूबा, इंसान के सिर पर कैसे उगाया जानवरों जैसा सींग? डॉक्टर भी हुए हैरान। जानवरों के सिर पर सींग देखे होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के एक किसान के सिर पर सींग निकल आया है। लेकिन आदमी के सिर पर सींग? बात कुछ हजम नहीं हुई। क्या वाकई ऐसा हुआ भी है? क्या एक आदमी के सिर पर सींग उगाया है? भला इंसान के सिर पर सींग कैसे उग सकता है? ये मुमकिन भी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सोशल मीडिया का मजाक है? क्या पता ये तस्वीर एडिटेड हो? हमने पड़ताल की तो पता चला कि ये मामला सही है।
ये हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले के रहने वाले 74 साल के श्याम लाल यादव। इनके सिर पर वाकई सींग उगाया था, करीब 4 इंच लंबा सींग, और सींग भी कोई हाल ही में नहीं आया, ये 5 साल से इनके सिर पर था। सींग की वजह से श्याम लाल को कोई दर्द नहीं होता था। हाँ, वो थोड़ा असहज जरूर महसूस करते थे, इसलिए नाई से ही इसे कटवा दिया करते थे, लेकिन ये सींग बार बार उग जाता था। श्याम लाल ने कई डॉक्टरों के चक्कर काटे, इलाज के लिए नागपुर तक गए, आखिर में इलाज हुआ सागर के भाग्योदय तीर्थ अस्पताल में। अब श्याम लाल के सिर पर सींग नहीं है, ऑपरेशन करके उसे निकाला जा चुका है। ये है वो सींग। हमने डॉक्टरों से पूछा कि श्याम लाल यादव के सिर पर ये था क्या, क्या वाकई ये सींग ही था? ये लगभग 4 इंच का था। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको सेवेशियस हॉर्न बोलते हैं, और जो ये बहुत ही रेयर बीमारी है, और ये इस तरह का पहला केस है जो हमने देखा है कि एकदम एग्जैक्ट सींग जैसा नजर आ रहा है। ये हॉर्न निकाल के फिर उसकी प्लास्टिक सर्जरी की गई, उसमें चमड़ी चढ़ाई गई जहाँ पे डिफेक्ट था। बार बार ग्रोथ आ रही थी, वो नाई से कटवा देता था, बार बार थोड़ा सा आता था वो कटवा देता था। इस बार उसमें ये काफ़ी बड़ा हो गया, तब वो आके अपने पास आए। काफ़ी बड़ा है, बहुत ही कम होता है, रेयर केसेस होते हैं। इंसान के सिर पर सींग देखकर डॉक्टर भी हैरत में पड़ गए थे। उन्होंने तो रिसर्च के लिए इस सींग को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सर्जरी में भेजने का फैसला किया है। लेकिन ये हुआ कैसे? रातों रात तो सींग उग नहीं गया होगा, कुछ तो वजह रही होगी। तो पता चला कि 5 साल पहले श्यामलाल यादव के सिर पर चोट लग गई थी। जो बाल रहते हैं उनके जो जड़े रहती है उसमें ग्रंथि होती है, सेबेशियस ग्रंथि कहलाती है, उसमें से सिक्रीशन निकलते हैं तो अपने बाल जो रहते हैं वो चमकदार दिखते हैं और काले रहते हैं। तो वो कई बार वो ग्रंथि बंद हो जाती है, तो उसके कारण एक सेबेशियस सिस्ट बन जाती है। तो ये सिस्ट में से कुछ कुछ रिसाव होता रहता है, और ये ऐसे जमते 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 इतना बड़ा हो गया कि एकदम सींग का इसने आकार ले लिया। लेकिन इस कहानी के असली किरदार श्याम लाल यादव कैमरे के आगे नहीं आना चाहते, उन्होंने लोगों से मिलना ही बंद कर दिया है। हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर सही साबित हुई है। मध्य प्रदेश के सागर में एक शख्स के सिर पर वाकई सींग उगाया था। एक थी मीराबाई, जो कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त कही जाती हैं, और अब सोशल मीडिया का दावा है कि श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में एक और भक्त हैं, जिसने सेवा की मिसाल पेश की है। दावा किया जा रहा है कि वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के बाहर लोगों के जूते चप्पल रखने वाली एक महिला ने 40 लाख रुपए का दान दिया है। 40 लाख रुपए, क्या वाकई? सोशल मीडिया का दावा है कि आज के दौर में ये बुजुर्ग महिला श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं। दावा है कि ये अपना घर बार छोड़कर कान्हा की नगरी मथुरा में आ गई। पिछले 30 साल से बांके बिहारी मंदिर के बाहर सेवा कर रही हैं। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के जूते चप्पलों की रखवाली करती हैं। लोग 5, 10, 15, 20 रुपए जितना भी दे देते हैं, उसी से अपना गुजारा करती है। लेकिन कभी खुद पर खर्च नहीं किया। पाई पाई जोड़कर 40 लाख रुपए बांके बिहारी की सेवा में दान कर दिए, एक गौशाला का निर्माण करवा दिया। पीले रंग की साधारण सी धोती पहने, लोगों के जूते चप्पलों की रखवाली करके फुटकर पैसों से अपना गुजारा करने वाली बांके बिहारी मंदिर के बाहर बैठी इस महिला का परिचय कुछ समय बाद पूरा भारत जान जाएगा। इस महिला ने पिछले 30 सालों में 5, 10, 25, 50 रुपए इकट्ठा करके 40 लाख रुपए की रकम से एक गौशाला और धर्मशाला का निर्माण शुरू करवा दिया है। शत शत नमन है कान्हा की इस माँ यशोदा को। यूं तो कृष्ण की भक्ति कई लोग करते हैं, लेकिन वृंदावन में रहने वाली इस महिला ने भक्ति में जो किया वो तारीफ के काबिल है। इस महिला ने जूते चप्पल की रखवाली कर कान्हा के मंदिर में पूरे 40 लाख रुपए का दान दिया है। लोग कह रहे हैं कि मन में सेवा का भाव होना चाहिए, हैसियत मायने नहीं रखती। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई इस महिला ने 40 लाख रुपए का दान दिया है? श्रद्धालुओं के जूते चप्पलों की रखवाली करके 40 लाख रुपए जमा हो सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पैसा महिला ने कहीं और से जुटाया हो? खबर की सच्चाई जानने के लिए हम वृंदावन पहुंचे। हमें मंदिर के बाहर एक महिला बैठी दिखी। हमने उनसे बात की तो पता चला कि वायरल तस्वीर में दिख रही महिला का नाम फूलवती था, लेकिन इसी साल मार्च में उनका देहांत हो चुका है। 18 वर्ष में विधवा हो गई थी, तब वो आ गई थी यहाँ पर।
उनके दो बच्चे थे पहले, तो दोनों बच्चे खत्म हो चुके थे। मेरे यही गोसाइयों के बीच में काम करती रही, ठाकुर जी का भोग बनाती थी, फिर इनके विषय में यहाँ पर भोग प्रसाद करती। त्याग और समर्पण की मूर्ति थी वो, आने वाले दर्शनार्थियों के चप्पल जूतों की सेवा करती थी, उससे जो मिलता था उसके बाद जो पैसा बचता था वो पैसा एकत्र करके ठाकुर जी की सेवा में लगाती थी। हमें पता चला कि फूलवती ने वाकई ये गौशाला का निर्माण कराया तो है। बात करने के लिए हम पहुंचे गौशाला के संचालक फलाहारी बाबा के पास। सबके हाथ से जूता उठाना, उनकी रखवाली करना, जब आते थे उनको सफाई करके देती थी। 11.5 लाख रुपए हमको दिया उसने, साढ़े 11 लाख रुपये दान दिया। और लोगों ने झूठ प्रचार करा दिया कि 60 लाख हजार दिया, 50 हजार 40 हजार, ये झूठा है सब। ये सही है कि फूलवती ने दान देकर गौशाला का निर्माण कराया है, लेकिन उन्होंने 40 लाख नहीं बल्कि 11.5 लाख रुपए दान किए थे। अब हमें ये जानना था कि क्या ये रकम जूते चप्पलों की रखवाली करने से ही जमा हुई। कटनी की रहने वाली थी, उनकी काफी जायदाद थी, वो जायदाद बेच करके आई थी यहाँ पर, उन्होंने सब ये दान पुण्य किया यहाँ पे आकर। लोगों से बात की तो पता चला कि फूलवती मध्य प्रदेश के कटनी की रहने वाली थी, वहाँ उनकी कुछ प्रॉपर्टी थी, उन्होंने उस प्रॉपर्टी को बेचकर वहाँ से मिला पैसा गौशाला के लिए दान कर दिया था। लिहाजा न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित हुई है। बेशक बांके बिहारी मंदिर के बाहर सेवा करने वाली फूलवती ने दान देकर गौशाला का निर्माण करवाया था, लेकिन उन्होंने 40 लाख रुपए दान नहीं किए थे और ना ही उन्होंने ये रकम जूते चप्पलों की रखवाली करके जुटाई थी। और तो और फूलवती का अब देहांत भी हो चुका है। कहते हैं कि जिस पर राम का हाथ हो वो भव सागर तर जाता है। जो राम का नाम ले ले उसकी नाव कभी डूब नहीं सकती। और सोशल मीडिया का दावा है कि अब विदेशी भी राम का नाम जपने लगे हैं, वो भी राम भक्त बन गए हैं। एक वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है जिसमें विदेशी कलाकार राम भजन पर नृत्य करते दिख रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है? क्या वाकई विदेशी भी राम शरण में जा रहे हैं? ये चेहरे विदेशी हैं, लेकिन भजन भारत की मिट्टी के बज रहे हैं। राम का नाम ऐसा समा बांधता है कि हर कोई रम जाए। राम भजन की धुन पर कलाकारों का ये गजब का तालमेल, हाथों की ये बेहतरीन कलाकारी मन मोह लेती है। ऐसा लग रहा है मानो देवी की अनेकों भुजाएं फड़क रही हो। इस अद्भुत पेशकश को देखकर मुंह से बस वाह निकलता है। लोग भाव विभोर हो गए हैं। इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर जय श्री राम के नारे लगने लगे हैं। एक शख्स ने फेसबुक पर लिखा, अद्भुत नृत्य, जय श्री राम। राजनीतिक विश्लेषक मधुकिश्वर ने भी ये वीडियो ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, कुलदीप पई के दो नन्हे शिष्यों के गाय भजन पर शानदार पेशकश। पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया, वो भी इस वीडियो को भारत की ताकत बता रहे हैं। सवाल ये है कि ये वीडियो कहाँ का है, कब का है? क्या विदेश में भी भारतीय संस्कृति का डंका बज रहा है? क्या विदेशी भी राम भक्त बन गए हैं? वायरल वीडियो में सुनाई दे रहा राम भजन भारतीय शास्त्रीय संगीतकार कुलदीप पई ने कंपोज किया है। इसे उनकी दो नन्ही शिष्याओं ने गाया है, लेकिन ये भजन विदेश में भी छा गया है, इस बात पर सोशल मीडिया पर ही कुछ लोग शक जता रहे हैं। मधुकिश्वर और तारिक फतेह के ट्वीट के जवाब में लोगों ने लिखा भी है कि ये वीडियो फर्जी है। हमने पड़ताल शुरू की। हमें ये वीडियो चीन की न्यूज एजेंसी चाइना शिन्हुआ न्यूज के ट्विटर हैंडल पर मिला। चीनी न्यूज एजेंसी ने ये वीडियो पिछले साल 5 नवंबर 2018 को ट्वीट किया था। इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा था, चीन के दिव्यांग कलाकारों ने न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर में सहस्त्र हाथ बोधिसत्व डांस पेश किया। वायरल वीडियो तो करीब 2.5 मिनट का है, लेकिन असल में डांस का ये वीडियो 6.5 मिनट लंबा है। हमने वीडियो देखा तो पता चला कि इसमें तो राम भजन बज ही नहीं रहा है। ये कलाकार एक धुन पर डांस कर रहे हैं। हैरान
हैरानी की बात यह है कि वीडियो में दिख रहे ये सभी कलाकार गूंगे और बहरे हैं, लेकिन इसके बावजूद बिना धुन सुने इनका इतने तालमेल के साथ डांस करना काबिले तारीफ है। लिहाजा न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित हुई है। वीडियो में कलाकार राम भजन पर पेशकश नहीं दे रहे, राम भजन एडिट करके वीडियो के साथ जोड़ा गया है। खबर पक्की है, मैं आप देखिए वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक चोर स्कूटर पर आता है और रास्ते में चल रही महिला का बैग छीनने की कोशिश करता है, लेकिन महिला अपना बैग दूर फेंक देती है। बदमाश जैसे ही बैग की तरफ भागता है तो महिला उसका स्कूटर लेकर ही भाग जाती है। इस वीडियो को देखकर लोग खूब हंस रहे हैं।